अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द ग्रोथ थ्योरीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द same lecture. In the previous lecture we have studied two theories related to the structural transformation. First was Lieber's two sector model and second was Chenery's pattern of development. Hum isi economic growth theories ke cycle ko extend karte hue आज एक नई थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन। फर्स्ट वी स्टडी के व्हाट इज इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन, देन इसमें जो है वो थ्री कंसेप्ट हैं, थ्री थ्योरीज हैं अबाउट इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन, वो जो है हम आज स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल reject the exclusive emphasis on GNP growth rate as the principal index of development. Instead, I am going to share the screen. Just wait a minute, I am going to share the screen. Here you can see that screen is visible. International dependence revolution model reject the exclusive emphasis on GNP growth rate as the principal index of development. Instead, they place emphasis on international power balances and on fundamental reforms worldwide. The international dependence revolution model view developing countries as beset by institutional, political, and economic rigidities in both domestic and international setup. Basically, international dependence revolution जो है वो कहता है कि जो हमारा basic emphasis है GNP growth rate पे, उसको ये reject करता है और इसकी बजाय वो international power balances और international reforms जो world wide है या वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इन चीज़ों को जो है, इन फैक्टर्स को वो कंसीडर द हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि ये फैक्टर्स जो है, ये डोमेस्टिक इस तरह की कुछ रिजिडिटीज हैं और कुछ इंटरनेशनल रिजिडिटीज हैं, दीज आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज स्पेशली। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन रिजेक्ट द एक्सक्लूसिव एम्फेसाइज ऑन GNP ग्रोथ रेट, कि हम GNP ग्रोथ रेट अचीव करने में लगे रहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो हाई हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो GNP ग्रोथ रेट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, कुछ इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हर्डल्स हैं जो एक डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं। द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल्स आर्गू दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर कैच अप इन अ डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप विद रिच कंट्रीज। डिपेंडेंस रेवोल्यूशन के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दैट आर कैच अप इन इन डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप विद रिच कंट्रीज।
ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप के जरिए अटैच्ड हैं। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप? डिपेंडेंस इज दैट द रिलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टिमुलेट देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ। Dependence can also mean that the developing countries adopt developed countries' education systems, technology, economic and political systems, attitudes, consumption patterns, and dress, etc. Dependence relationship ये है कि जो developing countries हैं वो ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो अप करते हैं बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर डेवलप्ड कंट्रीज की चीज़ों को फॉलो करने में लगे हुए हैं। वो अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़कर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने लगे हुए हैं। इवन वो अपनी लैंग्वेज को छोड़कर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की लैंग्वेज को फॉलो अप कर रहे हैं। इवन वो अपनी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है डेवलप कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को फॉलो अप कर रहे हैं। अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको छोड़कर जो है वो डेवलप कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अपना एटीट्यूड इवन अपना ड्रेस छोड़कर जो है वो डेवलप कंट्रीज के ड्रेस को कंजम्पशन पैटर्न को उनके एटीट्यूड को फॉलो अप कर रहे हैं। सो दिस इज डिपेंडेंस रिलेशनशिप। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज के साथ कैचअप उनके उनके एक चुंगल में फंसे हुए हैं थ्रू डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप। आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिपेंडेंस रिलेशनशिप के किस तरीके से डिपेंडेंस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। और दूसरा है डोमिनेंस रिलेशनशिप। ऑब्वियसली डेवलप कंट्रीज हैं दैट डोमिनेट द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड सोशल एज वेल। इंटरनेशनल अफेयर्स अ सिचुएशन इन विच developed countries have much greater power than the less developed countries in decisions affecting important international economic issues such as prices of agricultural commodities raw materials in world market. ab world market mein jitne bhi decisions hote hain obviously unme major role jo hai wo developed economies ka hai. aap world market mein dekh le ke jitne bhi institutions bane hue hain जाइंट्स हैं लाइक IMF है वर्ल्ड बैंक है WTO है। अब इनमें जो मेजर प्रपोर्शन है वो डेवलप कंट्रीज का है। मेजर शेयर मेजर स्टेक होल्डर जो है वो डेवलप कंट्रीज के हैं। तो जो पॉलिसीज वहां से डिसाइड होती हैं फॉर द वर्ल्ड वो उनमें जो है वो डेवलप कंट्रीज जो है वो डोमिनेट करते हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की फेवर में जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दीज आर कैच अप बाय द डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन दीज डेवलपिंग कंट्रीज आर कैच अप बाय द डेवलप्ड कंट्रीज through dependence and dominance relationship. There are three streams of thought, or you can say that there are three theories that explains the same international dependence revolution by different ways. First one is new colonial dependence model. Second one is false paradigm model. Third one is dualistic development thesis. These three streams of thought explains the international dependence revolution. हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। New colonial dependence model. It attributes the existence and continuance of underdevelopment primarily to the historical evolution of a highly unequal international capitalist system of rich country poor country relationship. Rich nations are internationally exploited or unintentionally neglect the developing country. ये मैं जितनी भी डिबेट करूँगा आप इसको कोई पॉलिटिकल ना लीजिएगा। मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा किसी कंट्री की तो इसमें मेरा कोई भी पॉलिटिकल पर्पस नहीं होगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट
what is the matter this is. New colonial dependence, जैसे यूएसए में कैपिटलिज्म है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म हो, जो उसकी बात मानते हैं उनको एड भी प्रोवाइड करता है, डेट भी देता है, जो कहते हैं कि इसकी बात नहीं मानते उनको एड और डेट प्रोवाइड नहीं करता. इट मीन्स के उसके अपने मोटिव्स हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, वो ये नहीं देखता कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं. सो फर्दर मोर यू कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अनइक्वल पावर रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्रीफेरी द डेवलपिंग कंट्रीज रेंडर अटेम्प्ट्स बाय पुअर नेशंस टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इवन इम्पॉसिबल. ये जो अनइक्वल पावर का रिलेशन है बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये बेसिकली आप ये कह लें कि डेवलप कंट्रीज जो है वो कोशिश करते ही नहीं है कि पुअर नेशन जो है वो ऊपर आए, कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए. मैं एक आसान आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जागीरदार हैं, ज़मीनें हैं उनकी, वो कभी भी नहीं चाहता कि उनके जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो रिच हो जाएं. उनकी उनका ये कंसेप्ट है अगर वो रिच हो जाएंगे, वो पढ़ लिख जाएंगे, तो उनकी ज़मीनों पर काम कौन करेगा. तो जो ये अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है, वो चाहते हैं कि ये इसी तरीके से अनइक्वालिटी जो है वो बरकरार रहे. एक हाउस होल्ड ओनर जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके घर में काम करने वाली भाई जो है वो पढ़ जाए और वो कहीं और काम करना शुरू कर दे या वाइट कॉलर जॉब करना स्टार्ट कर दे. एक स्टोर ओनर कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो काम करने वाला लेबर है वो एक नया स्टोर उसके मुकाबले में बना ले, रिच हो जाए और वो एक नया स्टोर बना ले, वो कभी भी नहीं ऐसा चाहता. द सेम सिनेरियो यू कैन अप्लाई एट वर्ल्ड लेवल. सो सर्टेन ग्रुप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स, एंटरप्रेन्योर्स, मिलिट्री रूलर्स, मर्चेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड ट्रेड यूनियन लीडर्स who enjoy high income, who enjoy social status, political power, constitute a small eliting ruling class, whose principal interest is in the continuation of the international capitalist system of the of inequality. अब देखें, colonial dependence का मतलब भी यही है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पास्ट में किसी ना किसी डेवलप कंट्रीज का कॉलोनियल पास्ट रहे हैं. जैसे पाकिस्तान बरसगीर था, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये यहाँ पे जो है वो बरतानिया की हुकूमत थी, वो खुद चले गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने इन डेवलपिंग कंट्रीज पे जो है वो एक आप ये कह लें कि उन्होंने इनके एलीट क्लास लोगों को अपने स्टिल अपने कैप्चर में किया हुआ है. वो इनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, वो इनको अपने डेवलप कंट्रीज में जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो इनको जो है वो हर तरह की सहूलतें प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली वो इन एलीट क्लास लोगों के जरिए डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कैप्चर में किए हुए, उन पर हुकूमत कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप. अब वो एलीट क्लास किन लोगों से मिलकर बनी है, मैंने डिटेल में बताया आपको यहाँ पे, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स, एंटरप्रेन्योर, मिलिट्री रूलर्स, मर्चेंट, ब्यूरोक्रेट्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स, इनके जरिए वो कंट्रोल किए हुए हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे सर्व एंड रिवार्डेड बाय इंटरनेशनल स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नेशनल बायलैटरल एड एजेंसीज एंड मल्टीलैटरल असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक और द IMF. Which are tied by funding to the wealthy capitalist countries. Directly or indirectly, in elite class लोगों को उन developed countries ने अपने control में किया होता है, वो इनको benefits provide करते हैं. और वो countries नहीं तो multilateral agencies like World Bank, IMF, WTO, जिनमें सर तो कैसे करती है? Major proportion जो है वो वेल्थी कैपिटलिस्ट कंट्रीज का है, उनके जरिए जो है वो
उन एलीट क्लास लोगों को वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और उनके जरिए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे हुकूमत करते हैं और दिस इज द कंडीशन दीज एलीट क्लास ग्रुप्स पुट द कंट्रीज इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड कीप देयर रिलेशन अप विद कॉलोनियल पास्ट कंट्रीज. होपफुली यू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू पाकिस्तान. अगर मैं पाकिस्तान के लिए आपसे एग्जाम्पल दूंगा तो आप शायद कहेंगे कि सर कोई पोलिटिकल डिबेट शुरू कर दी है. जी आप पूछे क्या पूछना चाह रही हैं. सर जैसे मतलब यहाँ अपनी कंट्री में रह के वो दूसरी मतलब कंट्री में सपोर्ट करती है ना, ये पूछना चाह रही हूँ. मैं एग्जांपल दूंगा प्लीज इसको आप पॉलिटिकल ही ना लीजिएगा. ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ नेशनल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं? डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं. अब लाख उन पे मुकदमा चलाते रहे, आप उनको ला सकते हैं? नहीं लाते. डेवलप कंट्रीज जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, उन तक एक्सेस नहीं देते. उन्होंने उनसे बेनिफिट लिए होते हैं, उन्होंने उनसे बेनिफिट लिए होते हैं तो वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, फिर उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. वो उनसे बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप कह लें वफादारों के साथ बड़े वफादार हैं डेवलप कंट्रीज वाले. वो अपने वफादारों के साथ बड़े वफादार हैं, चाहे वो फॉरनर ही क्यों ना हो. अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात मेरी बेटा? तो उन एलीट ग्रुप्स के जरिए वो इन कंट्रीज पे हुकूमत करते हैं और यही एक वजह है कि वो डेवलपिंग कंट्री को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं. आप वेंजुएला का केस देख लें और शुरू से जो है वो यूएसए जो है वो वेंजुएला उनकी आर्मी को कैप्चर किया होता है, उनके एलीट ग्रुप्स को कैप्चर किया होता है. अगर कोई वजीर आजम जो है उनकी पसंद का नहीं आता तो उसको तोड़वा देते हैं फौरी. मैंने किसी और कंट्री की एग्जांपल ली ताकि आप जो है वो पॉलिटिकल ना हो सके. जी क्लियर है बेटा पॉइंट आपको? जी क्लियर है? कोई आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं. ये लास्ट से समझ नहीं आई कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को उतरवा देते हैं बेटा. फिर वेंजुएला की जब उन पावर्स का पसंदीदा बंदा उनकी बात मानने वाला ना आए तो वो बाकी पावर्स के जरिए उसको खत्म करवा देते हैं. नहीं समझ आई सर? मेरा मतलब है कि दूसरी कंट्री के हमारी विदिन जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है जैसे उसको उतरवा देंगे. हमारा बजट बनना है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप शायद बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सके. हमारा बजट बनना है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी नेशनल नोज बेटर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. हमारा बजट बनाने वाले बंदे ही अगर आप बाहर से वर्ल्ड बैंक से या किसी और कंट्री से मंगवाएं और फिर वही उन्हीं उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स उन्हीं की पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करें तो क्या ये नहीं है कि यही तो चीज है कि वो एक डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. जरूरी तो नहीं है कि आप जो है वो आप साथ वाले घर में जाकर खुद बैठे, जरूरी तो नहीं है ऐसा उसको कंट्रोल करने के लिए. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जहां जो उसका घर का ओनर है, ठीक है, आप उसको अपना दोस्त बना लें, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करें और उसके जरिए उस पे हुकूमत करें. ये ज्यादा बेटर वे है बजाय आप उधर जाके बैठे. आप किधर किधर जाके बैठेंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात आपके? नहीं जी. क्वेश्चन पूछ के गायब हो जाते हैं फिर
पता नहीं वो कपड़े धोने लग जाते हैं, बर्तन धोने लग जाते हैं। जी सर, नहीं कौन धो रहा है, नहीं बिल्कुल फिर जी बेटा कॉम्प्लीमेंट आगे से मुझे बताएं तो मुझे पता चले ना कि इसको बच्ची को समझ आ रही है नहीं। मुझे आगे से जी समझ आ रही है। अब आइए, चले। ऑल राइट, अंडर डेवलपमेंट इज द सीन एज एक्सटर्नली इंड्यूस्ड फिनोमिना इन कंट्रास्ट टू द लीनियर स्टेज स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरीज स्ट्रेस द इंटरनल कंस्ट्रेंट सच एज इनएफिशिएंट सेविंग इन्वेस्टमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन एट स्केल। न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल के मुताबिक जो अंडर डेवलपमेंट है दैट इज ड्यू टू द इंटरनेशनल फैक्टर्स विच हैव आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये इंटरनेशनल फैक्टर्स के की वजह से है। वो कहता है कि इन कंट्रास्ट टू जैसा लीनियर स्टेज ग्रोथ मॉडल में हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल चेंज में पढ़ा कि सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, इसकी वजह से डेवलपमेंट आएगी। जबकि न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो हर्डल है इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। हमने अपनी पॉलिसीज बनानी होती हैं तो हम जो है वो डेवलप कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज छोड़कर डेवलप कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, हम अपना इवन ड्रेस छोड़कर जो है वो डेवलप कंट्रीज के ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं। सो हम डोमिनेंस और डिपेंडेंस रिलेशनशिप में फॉलो अप हो चुके हैं विद द डेवलप कंट्रीज, और यही वजह है कि वो आपको डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं बाय न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल। दिस इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंस, ये आप अगेन स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड, इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल इज फॉल्स पैराडाइम मॉडल। अ सेकेंड इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच वही है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन वाली, डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट किया गया है सेकेंड मॉडल ने। द फॉल्स पैराडाइम मॉडल, अ सेकेंड इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज फॉल्स पैराडाइम मॉडल। इट एट्रीब्यूट्स अंडर डेवलपमेंट टू द faulty and inappropriate advice provided by well-meaning but biased and ethnocentric, centered on a specific ethnic group, international expert advisors from developed country, assistance agencies and multilateral donor organizations. बहुत सूट करता है पाकिस्तान पे ये पॉइंट। आप करंट सिनेरियो भी देख सकते हैं। अब आई डोंट नो कि आप न्यूज़पेपर भी कभी पढ़ते हैं या नहीं, तो अगर पढ़ते हैं तो यू श्योरली अंडरस्टैंड व्हाट फॉल्स पैराडाइम मॉडल इज सेइंग। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की फॉल्स इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज को फॉलो अप करते हैं, या आप ये कह लें के जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वहां के लोग बैठे होते हैं, एडवाइजरी लोग बैठे होते हैं, और वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पॉलिसीज बना रहे होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बजट बना रहे होते हैं। द पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस सर्व द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पावर ग्रुप्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ऑब्वियसली उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं पावर ग्रुप्स के लिए। वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पावर ग्रुप्स को, डेवलप कंट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, डेवलपिंग वंस को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती। दीज एक्सपर्ट्स आर सेड टू ऑफर कॉम्प्लेक्स बट अल्टीमेटली मिसलीडिंग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑफन लीड टू इनअप्रोप्रिएट और इनकोरेक्ट पॉलिसीज। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप एक मतलब घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा खर्च करते हैं। मैं आपको कहूंगा चुबुर्जी पे जाकर बैठे और उस बैगर की फीलिंग, दो रातें उधर रहें और उस बैगर की फीलिंग को जज करें, यू कांट। आप इवन उधर जाकर बैठ भी जाएंगे, दो रातें भी बैठ जाएं, फिर भी आप उस लेवल पे उसको जज नहीं कर सकते जो उसकी फीलिंग है। सेम सिनेरियो ऐसे ही है कि अगर आप एक डेवलप कंट्री में आपने एजुकेशन अटेंड की है, वहाँ वहाँ की पॉलिसीज पढ़ी हैं, वहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने बड़े लेवल पे काम किया है, सो
आप कुछ हद तक सोल्यूशन जरूर सजेस्ट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए, लेकिन आप उनकी टोटल पॉलिसीज को डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो करेक्टरिस्टिक्स है, डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम है, वो वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो डेवलपिंग कंट्री में रहता है। सो ट्रेड यूनियनिस्ट, हाई लेवल गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट एंड अदर सिविल सर्वेंट्स ऑल गेट देयर ट्रेनिंग इन डेवलप्ड कंट्री इंस्टीट्यूशंस वेयर दे आर अनविटिंगली सर्व्ड एन अनहेल्दी डोज ऑफ अलाइन कंसेप्ट्स इन एंड इन एप्लीकेबल थ्योरेटिकल मॉडल। वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपिंग कंट्री पे, दे गेट वेरी लिटल यूजफुल नॉलेज टू अंडरस्टैंड रियल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। बिकॉज रियल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स तो तभी जज कर सकते हैं कि अगर आप डेवलपिंग कंट्री में आपने ट्रेनिंग ली हो। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय जोसेफ, ये एक ही पॉइंट जो है इस पूरी थ्योरी को समझने में आपको हेल्प करेगा। जोसेफ ई. स्टिग्लिट्स 2006, इसका इंट्रोडक्शन है, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एट कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, गोट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2001, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट रहा है, अभी भी स्टिल है। इन व्हाइट हाउस, ये कहता है कि इन व्हाइट हाउस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एन इशू ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, अगर वहां पे हम बैठकर डोमेस्टिक इशू डिस्कस कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज थॉट ऑफ व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज एफिशिएंट। अगर हम डोमेस्टिक इशू डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या फेयर है, क्या एफिशिएंट है, एंड व्हेन इट केम टू इंटरनेशनल इशू वी थॉट व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए। और अगर हम कोई इंटरनेशनल इशू पे बात कर रहे हो तो फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए, देन वी डिडंट थिंक व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज एफिशिएंट। अगर हम इंटरनेशनल इशू पे बात कर रहे हो तो फिर हम फेयर और एफिशिएंट नहीं देखते, फिर हम देखते हैं कि यूएसए के लिए क्या बेस्ट है। सो द कंट्राडिक्शन दिस जनरेट्स कम्स थ्रू इन द काइंड्स ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड। होपफुली यू अंडरस्टैंड। In university economics courses, for example, these typically involve the teaching of many irrelevant Western concepts and models. Policymakers are not independent while making policy decisions. Their policies are followed by political decisions. Yahan tak kisi ka koi question hai to you are free to ask. Second, third concept about the international dependence revolution is dualistic development thesis. सबसे पहले कि dualism है क्या? Basically dualism है कि अगर एक वक्त में आप दो चीजें apply कर रहे हो, एक वो जो आप चाहते हैं और एक जो दूसरा आप नहीं चाहते। For example, जैसे agriculture sector है, वहां पे एक ही वक्त में आप जो है वो modern technology भी use कर रहे हैं और एक ही वक्त में आप backward technology भी use कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हैं और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना नहीं चाहते, लेकिन आप एक ही वक्त में दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये ड्यूअलिज्म की एग्जांपल है। ड्यूअलिज्म द कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू सिचुएशंस और टू फिनोमेना, वन डिजायरेबल एंड द अदर नॉट। ड्यूअलिज्म रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग डाइवर्जेंसीज बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन एंड रिच एंड पुअर पीपल एट ऑल लेवल्स। The concept embraces four key arguments. Superior and inferior conditions can coexist in a given space at a given time. Obviously, superior and inferior conditions dono prevail karti hain. Coexistence of modern and traditional methods of production in urban and rural sectors. Jaise kapda hai, cloth hai, wo Faisalabad mein dekhe khadiyon pe bhi taiyar ho raha tha aur ab modern machino pe bhi taiyar ho raha hai. एक ही वक्त में दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। द कोएग्जिस्टेंस ऑफ वेल्थी एंड हाईली एजुकेटेड एलीट्स विद लॉट ऑफ इलिटरेट पुअर पीपल, पाकिस्तान है वहां पे आप वेल्थी पीपल भी देखेंगे और जो बहुत पुअर पीपल, आप एक्सट्रीम पॉवर्टी भी देखेंगे, आप हाईली एजुकेटेड पीपल भी देखेंगे और हाईली इलिटरेट पीपल भी देखेंगे। सेकेंड इज द कोएग्जिस्टेंस इज कंटिन्यूअल और नॉट ट्रांजिशनल इंटरमीडिएटरी। The international coexistence of wealth and
poverty is not simply a historical phenomena that will be rectified in time. और ये ऐसा नहीं है कि automatically ये खत्म हो जाएगा जो poor और wealth आप ये कह लें लोगों में जो difference है income का, high income people, low income people, ये कोई historical phenomena नहीं है जो automatically rectified हो जाएगा. The degrees of the conditions superiority or inferiority have an inherent tendency to increase. और आप देख सकते हैं कि एक शुरू से ये चलती आ रही है और इंक्रीज होता जा रहा है डिफरेंस. इनकम पुअर जो है वो ज्यादा पुअर होता जा रहा है और रिच जो है वो ज्यादा रिच होता जा रहा है. अब ये कहने के डाइवर्जेंस फैल रही है, प्रोडक्टिविटी गैप फैल रहा है. इवन ऐसा कह सकते हैं कि अगर पुअर भी जो है वो ग्रो कर रहा है अगर, लेकिन रिच जो है अगर वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तब भी जो है वो डाइवर्जेंस फैलती है, तब भी इनमें डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है. डाइवर्जेंस कहते हैं अगर रिच पीपल ग्रोज फास्टर देन द पुअर पीपल, मतलब दोनों ग्रो कर रहे हैं बट रिच पीपल ग्रोज फास्टर देन द पुअर पीपल, दिस इज डाइवर्जेंस. तो डाइवर्जेंस हो रही है. और कन्वर्जेंस क्या है? इफ पुअर पीपल ग्रोज फास्टर देन द रिच वंस, और अगर पुअर पीपल जो है वो ज्यादा देर से ग्रो करे एज कम्पेयर टू रिच वंस, देन देयर विल बी अ कन्वर्जेंस, फिर कन्वर्जेंस होगी, एक दूसरे के नजदीक आएंगे. सुपीरियर एलिमेंट्स डज नॉट डज लिटल और नथिंग टू पुल अप इनफीरियर एलिमेंट्स. सुपीरियर कंडीशन सर्व टू डिवेलप अंडर डिवेलपमेंट. और जो सुपीरियर बेसिक थीम, सुपीरियर एलिमेंट्स जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि जो इन्फीरियर एलिमेंट्स है वो ग्रो करें और उनके मुकाबले पे आए. सो दीज आर द थ्री थ्योरीज दैट एक्सप्लेन इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन बाय डिफरेंट वेज. और सेम यही है बेसिकली, समरी यही है कि जो ये जो डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप कंट्रीज के साथ कैचअप हुए हैं. डेवलपिंग कंट्रीज आर कैचअप बाय द डेवलप कंट्रीज थ्रू डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप. और यही वजह है कि वो उनको अंडर डिवेल्प कंडीशन में रखे हुए हैं. देर आर सम वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन. इसने बता दिया है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमीज क्यों हैं, वो डेवलप कंट्रीज के किस तरीके से उनके डिपेंडेंस डोमिनेंस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं. हाउएवर ये थ्योरी जो है इसका कोई सोल्यूशन सजेस्ट नहीं कर रही कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं. ये जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल्स हैं ये कोई सोल्यूशन सजेस्ट नहीं कर रहे कि किस तरीके से हम सस्टेन्ड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जो है वो अटेन कर सकते हैं. और दूसरा ये कि अगर हम इस थ्योरी से ये डिडक्ट कर लें कि हम डेवलप कंट्रीज के साथ जो है वो कट ऑफ कर देते हैं, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, तो फिर भी हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है कि हम डेवलप्ड हो सकें. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जरिए जो है वो हमने, और हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ट्रेड करके ग्लोबलाइजेशन के जरिए, इंटरलिंकेजेस के जरिए डेवलपमेंट ली है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि अगर हम दूसरे कंट्री से कट ऑफ होकर जो है वो डेवलप्ड हो जाए, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है. सो दीज आर द टू वीकनेसेस that I have highlighted in international dependence revolution model. Yahan tak aap prepare kar lijiyega, isse regarding koi question hai to you are free to ask.